दिल्ली के स्कूटर ट्रेडर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में करोलबाग की नाईवाला मार्केट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सतपाल गिरधर एंड टीम पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अपने मुद्दों को लेकर व्यापारियों के बीच जा रही है। इसी कड़ी में सभी प्रत्याशियों ने मार्केट में घूम घूम कर अपना प्रचार किया और अपनी पूरी टीम के लिए वोट भी मांगे। इस दौरान जगह जगह व्यापारियों ने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी सतपाल गिरधर और उनकी पूरी टीम का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद टीम ने व्यापारियों के बीच अपनी बात रखी। क्या बंदिश की गई है कि हमने जो भी काम करना है अपनी ईमानदारी से करना है और सबको दिखा के करना है, काम करके दिखाएंगे, ये हमारा वादा है पूरी टीम का, लेकिन एक भी मोती को बिखरने मत देना, ये मेरा सबसे हम अपने लालच के लिए कोई काम नहीं करेंगे। जो अपने लालच के लिए कोरोना में काम हुआ क्या हुआ हम किसी की नहीं बात कहना चाहते, लेकिन पूरी टीम आप लोगों के लिए आपकी सेवा के लिए काम करेगी, ये मेरा वादा। धन्यवाद बहुत। पूरी डीएसटी मार्केट यहाँ पे इकट्ठी हुई है, सभी व्यापारियों को जोड़कर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया गया। माता रानी का बहुत जय, हनुमान जी के चालीसा का जय जयकार किया गया। बहुत ही अच्छा लगा हमें मार्केट में मिलके, सभी व्यापारी बहुत एकत्रित हुए, सभी ने चुनावी वो छोड़कर अपने आप को जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान जी के चरणों में अपने आप को प्रकट किया। धन्यवाद। आज क्या कामना कर रहे हैं आप, सभी पैनल जो है आपकी आई है, सभी जो प्रत्याशी एक जगह इकट्ठे हुए हैं, और प्रभु से क्या कामना की? हम तो प्रभु से कामना करते हैं, हमारे सतपाल गिरधर जी प्रधान आए और उनकी टीम सारी काम करने वाली है, बहुत अच्छी है, निडर है, आपको लिए बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे दो ढाई साल में। हम प्रभु से यही काम करना करते हैं, व्यापारियों से सबको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सतपाल गिरधर एंड टीम को आप विजयी बनाएं। बस धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इस वक्त नाईवाला में दिल्ली स्कूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन संस्था जो है हमारी, उसके चुनाव चल रहे हैं, जिसकी वोटिंग 16 को होगी और 17 को काउंटिंग होगी। इस वक्त हमारे साथ सतपाल गिरधर एंड पैनल, जिसका कि हम प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त, गली गली में आए हुए हैं सभी। यहाँ पर आज हनुमान चालीसा की चौकी थी, सब ने प्रभु का नाम लिया, दर्शन किए और अब आगे गलियों में जाने की तैयारी है। हम आप सबसे, जितने भी यहाँ पर करोलबाग नाईवाला के क्षेत्र के मेंबर हैं हमारे, सभी से निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें और सतपाल गिरधर एंड पैनल, 8 बंदों का पैनल है, सबको भारी मतलब से विजय डालें और अपनी एकता दिखाएं। धन्यवाद। दिया था कि एक आदमी एक टीम पे एक ही बार मतलब प्रेसिडेंट बने या जनरल सेक्रेटरी बने, दोबारा रेपुटेशन ना हो, दूसरों को चांस कहाँ से मिलेगा? जब एक ही आदमी बैठा रहेगा तो वो दूसरे को चांस नहीं मिलेगा, और हमारी मार्केट इतनी बड़ी है कि यहाँ हज़ारों आदमी हैं, डायमंड छांटने की ज़रूरत है हमें, कौन कौन से, कोई भी आया था पहले सीख के आया था, तो ये चीज़ें आप इन पर ट्रस्ट करिए, हम सब इनके साथ हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, और आएगी तो हम सब एक साथ मिलके व्यापारी है, सब साथ में काम करेंगे, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जो कि हल ना होगी। समस्या का अगर हम समाधान हर टाइम होता रहे, और प्रभु की कृपा से डीएसटीए अपनी चढ़ती कला में है और इसको भगवान की कृपा है, कोई भी काम ऐसा रुका नहीं है हमारा, टेढ़े से टेढ़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम हल हुए हैं और आगे भी होंगे, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो समझो ये सारे काम आसान हो जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आज क्या कहना चाहेंगे, जितने भी प्रत्याशी आपके पास आए थे, आपने स्वागत किया है, क्या मैसेज? ये एक मिलीजुली टीम है जिसके अंदर बहुत तजुर्बेकार और यंग जनरेशन दोनों का मिक्सचर है, ऐसे बदलाव का होना जरूरी है। क्या लगता है कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे, खरे उतरेंगे। इस तरीके का समर्थन दे रहे हैं आप लोग? हम समर्थन दे रहे हैं अपने प्रधान गिरधर जी को और इनकी पूरी टीम को, दिनेश दुआ जी को, और ये बहुत ही कर्मठ नेता है और ये हमारे भविष्य के लिए, हमारी मार्केट के बहुत ही तजुर्बेकार आदमी है और इनकी वजह से हमारी मार्केट को आगे भविष्य उज्जवल है। कौन कौन सी ऐसी उम्मीदें हैं जो आप इनसे लगा रहे हैं? सबसे बड़ी उम्मीद है जी हमारी, ये जो पटरियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं और इन पटरियों की वजह से हमारे यहाँ पे बिल्कुल चलने में बहुत दिक्कत है, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, पार्किंग की प्रॉब्लम, पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है, और इसके अलावा जो हमारे यहाँ बिल्टी चार्जेस लगते हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर, ये हर दुकानदार को रोज 200-400 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। और जीएसटी जो एक बड़ा मुद्दा है कि हमारी जो एसोसिएशन है इसमें 28% टैक्स है
और हम इस टैक्स को घटा के 18% पे लाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी एसोसिएशन हमारे साथ है। टू व्हीलर को उसमें इम्पोर्टेंस में लाना चाहते हैं, बाईसाइकिल साइकिल के टाइप से इम्पोर्टेंस, जैसे टू व्हीलर माल को, टू व्हीलर पार्ट्स को हम साइकिल पार्ट्स में लाना चाहते हैं, इसके अंदर 18% टैक्स होना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा, चुनाव हो रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं? और हम तो अपना सतपाल गिरधर जी को जिताना चाहते हैं, पूरे उन्होंने सारे पहले भी काम किए हैं और उनको हर चीज़ का तजुर्बा भी है, उन्होंने काफ़ी हमारी DSTA के मेले भी किए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो हम तो चाहेंगे कि वो ही आए हमारे यहाँ पर। अच्छा, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं उनसे अगर वो आते हैं? सर, काफ़ी उम्मीदें हैं, हम तो चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो, कि धीरे धीरे जो भी उन्होंने आज तक काम किए हैं, आज तक हमारे सफल ही हुए हैं, कोई चीज़ में दिक्कत अभी भी आने वाले टाइम में, जैसे हमारा बिल्टियों का चक्कर है कि जितना भी ट्रांसपोर्ट्स में हमारी बिल्टीज वगैरह का चार्जेज लगते हैं वो हमें मतलब बेफजूल में हमें देने पड़ते हैं, अगर दिन में 4 बिल्टियाँ बनती हैं तो हमें 4 बिल्टियों के पैसे देने पड़ते हैं, 100 रुपये बिल्टी है, कोई 50 रुपये बिल्टी है, कोई 30 रुपये बिल्टी है, तो बड़ी दिक्कत आती है। अगर महेश जी इतना वादा कर रहे हैं कि हम ये चीज़ को आगे से हटाने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी कि हमारा ट्रेड और आगे बढ़ेगा, इससे कोई चीज़ों की दिक्कत नहीं आएगी। बाकी GST की बात चल रही है, अगर GST में भी अगर वो कुछ हमारा प्रावधान निकालते हैं तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।